तो अभी तक हमने जो पढ़ा है लाइक नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में और नेटवर्क टेक्नोलॉजी क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम दो से अधिक डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, एक डिवाइस यहाँ पे हो गया, एक कंप्यूटर यहाँ पे हो गया, एक कंप्यूटर यहाँ पे हो गया, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर को अगर हमें कनेक्ट करना हो तो हमें क्या क्या जरूरत होगी, इनके नेटवर्क में लाना हो तो हमें जरूरत होगी एक नेटवर्क डिवाइस की, जिसको हम स्विच बोलते हैं, और एक केबल की जरूरत पड़ेगी, केबल से हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। अभी एक केबल होता है जिसको हम यूटीपी ईथरनेट केबल बोलते हैं, कैट 5, कैट 6, कैट 7, नॉर्मली अभी कैट 7 का यूज हम लोग करते हैं, और केबल के माध्यम से हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। कितने तो कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेंगे डिपेंड करते हैं कि स्विच कितने पोर का है। अगर ये 48 पोर्ट का है तो 48 कंप्यूटर्स हम कनेक्ट कर लेंगे, बट अगर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हमारे पास 200 कंप्यूटर है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, तो एक स्विच और ले लेंगे हम, और फिर इस स्विच से स्विच को हम ये कम यहां से मान लीजिए इस स्विच से कंप्यूटर अलग फिर से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर इससे कैसे कनेक्ट होगा। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम इस स्विच से इस स्विच की कनेक्टिविटी करा देंगे, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन और रहेगा कि हम एक राउटर ले लेंगे, तो राउटर से हम स्विचेस को कनेक्ट करेंगे, एक राउटर से एक स्विच को, इसी राउटर के दूसरे पोर्ट से हम दूसरे स्विच को कनेक्ट कर लेंगे, अभी एक नेटवर्क में आ जाएगा। नॉर्मली बिना राउटर के अगर हम स्विच से कनेक्टिविटी कराएंगे केबल के माध्यम स्विच से स्विच को, तो यहाँ पे कोलिजन डोमेन मतलब ट्रैफिक हो सकता है, तो स्पीड में हमें थोड़ी सी कमी मिल सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्विच से स्विच को नहीं कनेक्ट करके क्या करते हैं, राउटर को कनेक्ट करते हैं, या तो लेयर 3 स्विच यहाँ लगाते हैं। अब और बड़ा नेटवर्क है तो हम ऐसे कैसे नेटवर्क को बड़ा कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं लेयर 3 का स्विच लगा देते हैं, यहाँ लेयर 3 का स्विच लगा देंगे। अब इससे ऐसे कई सारे स्विच को हम कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ से मान लीजिए 48 कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, 48 इससे 47 7 है मान लीजिए, यहाँ से इसको हमने कनेक्ट करा दिया, इसको को करा दिया, इसको इसको लेयर 3 स्विच कराते हैं, या मल्टी लेयर स्विच बोलते हैं, ठीक है, मल्टी लेयर स्विच बोलते हैं इसे, हम हाई स्पीड होती है। अब क्या होगा, एक नेटवर्क में आ गया। अब क्वेश्चन आता है और बड़ा नेटवर्क हमारे पास है, तो और ये स्विच में बहुत सारे पोर्ट होंगे, ऐसे बहुत सारे स्विचेस को कनेक्ट कर लो, उससे ज्यादा अगर है तो फिर एक और मल्टी लेयर स्विच को हम ले लेंगे, वहां से बहुत सारे ये स्विचेस को हम कनेक्ट करेंगे, वहां से कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे हम राउटर लगा देंगे, इस राउटर से हम क्या करेंगे ये स्विच को और इस मल्टी लेयर स्विच को कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हम बहुत बड़ा नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे क्या क्या यूज हमने कर लिया, एक नॉर्मल नॉर्मल जो स्विचेस होते हैं इनको हमने इस्तेमाल किया, फिर यहाँ पे एक स्पेशल स्विच जो है जो मल्टी लेयर या लेयर 3 स्विच बोलते हैं इनको हमने कनेक्ट किया, ठीक है, फिर हमने राउटर को कनेक्ट किया, राइट। तो इस तरह से हम लोग नेटवर्क को करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल एक नेटवर्क की बात करते हैं हम लोग, बड़े नेटवर्क की नहीं, एक हमने स्विच लिया और इस स्विच से कई सारे कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट किया, इनको हमने कनेक्ट करा दिया केबल के माध्यम से। क्वेश्चन आता है कि क्या ये कनेक्शन देने के बाद, केबल और नेटवर्क डिवाइस के बाद, क्या ये सभी कंप्यूटर आपस में डेटा की शेयरिंग कर पाएंगे, क्या आपस में बातचीत कर पाएंगे? जी नहीं। क्यों? बस ये समझो कि एक एग्जाम्पल में, एक एक सिटी में हम सभी लोग रह रहे हैं, एक सिटी में, क्या एक सिटी में जितने लोग रहते हैं सभी लोग को आपस में बातचीत कर सकते हैं? ना, पॉसिबल ही नहीं, सभी लोग एक दूसरे को नहीं जानते, किससे बात कर सकते हैं? अब हमारे सिटी में हम किससे किससे बात कर सकते हैं, जिसको हम जानते हैं, जिसका मोबाइल नंबर हमारे पास है, या मेरा मोबाइल नंबर जिनके पास है वो बातचीत कर सकते हैं, चाहे कहीं से कहीं कोई हो, ठीक है, आप अमेरिका में बैठे हैं, मैं इंडिया में हूं, आपसे हमसे बातचीत हो रही है जो ये इंटरनेट के माध्यम से, तो कैसे हो रही है? क्योंकि आपका एड्रेस हमारे पास है, हमारा एड्रेस आपके पास है, कौन सा एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस, ठीक
ठीक है, हमारा मोबाइल नंबर आपके पास है, आपका मोबाइल नंबर हमारे पास, तभी हम एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर में जितने कंप्यूटर एक नेटवर्क में होते हैं उनके पास एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे मोबाइल नंबर क्या होता है, हमारा मोबाइल नंबर दूसरे के पास वो नंबर नहीं मिल सकता है, पूरे विश्व में किसी को नंबर से नंबर नहीं मिलेगा। मेरा नंबर क्या ये किसी को किसी के पास होगा ये मोबाइल नंबर? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये नंबर हमारे नाम से है, हमारे हमारे पास ही सेम नंबर नहीं रहेगा, भले किसी के पास रहेगा, कुछ नंबर इसमें से चेंज रहेगा, बट एग्जैक्टली यही नंबर नहीं रहेगा जब तक हम इस नंबर को यूज करेंगे। भले हम इसको ब्लॉक अगर करा दें तब ये नंबर किसी और के नाम से अलॉट हो सकता है। मतलब ये कि यूनिक एड्रेस होता है मोबाइल नंबर पूरे दुनिया के लिए, तभी हम लोग, नहीं तो क्या होता, नहीं तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा नेटवर्क में, ट्रैफिक में जाम हो जाएगा, ये फिर बातचीत नहीं हो पाएगी। सिमिलरली यहाँ पे नेटवर्क में क्या होता है, ये सभी कंप्यूटर के पास एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम नेटवर्क एड्रेस बोलते हैं, राइट। जब नेटवर्क एड्रेस इनके पास सभी के पास आ जाता है तब ये एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करा सकते हैं आपस में। अब ये नेटवर्क एड्रेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली नेटवर्क एड्रेस दो प्रकार से बांटा गया है, इसमें दो तरह का, हर एक कंप्यूटर में दो तरह के एड्रेस होते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, नेटवर्क एड्रेस क्या है। नेटवर्किंग एड्रेस बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, एक को हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं, मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका पूरा नाम होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये 48 बिट का एड्रेस होता है, ये लेंथ होता है, 48 बिट मतलब क्या है, लेंथ हो गया, ये 48 बिट का एड्रेस होता है। इसको हम हेक्सा डेसिमल नंबर में जानते हैं, हेक्सा डेसिमल नंबर। हेक्सा डेसिमल नंबर क्या होता है, अब हम बात करते हैं हेक्सा डेसिमल नंबर के बारे में। हेक्सा डेसिमल, अगर नंबर सिस्टम की हम बात करें, दुनिया में जो नंबर सिस्टम यूज होते हैं, क्या क्या नंबर सिस्टम यूज होते हैं, एक तो होता है डेसिमल नंबर, हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर जो होता है 01, इसका एड्रेस कितना होता है, दो ही होता है, 01 बस, और इसके बाद होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हम बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 मतलब जोड़िए कितना हो जाएगा, 0 से 9 कितना, 10, मतलब 10 एड्रेस, डेसिमल मतलब 10, बाइनरी मतलब 2 0 1, अभी डेसिमल मतलब 10, मतलब 0 से 9 तक जो भी नंबर हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, जोड़ घटाना गुना भाग जो भी होता है वो सभी हम डेसिमल नंबर में करते हैं। बट कंप्यूटर जो जोड़ घटाना करता है, कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करता है वो बाइनरी में करता है। कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड डेसिमल नंबर, कंप्यूटर डू अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर, 0 1 0 1 0 1 ऐसे करेगा वो। इसके बाद एक और एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं हेक्सा डेसिमल। हेक्साडेसिमल एड्रेस ये जो होता है, ये जो होता है 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर होता है A B C D E F, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 16। आप जोड़ लीजिए इसको, 0 to 9 एंड A to F। तो नेटवर्किंग में जो भी ये होते हैं मैक एड्रेस जो होता है ना, ये हेक्सा डेसिमल, मतलब उसमें अल्फाबेट भी रहेगा न्यूमेरिक भी रहेगा, अल्फा न्यूमेरिक में रहता है एड्रेस, इसलिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको दिया गया है, तो नंबर रहेगा तो इजी ट्रैक कर सकते हैं इसीलिए। और ये एड्रेस कब होता है मैं बता दूं, ये एड्रेस जब हमारे नेटवर्क एनआईसी पोर्ट, जो लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो एनआईसी पोर्ट होता है जहां पे हम केबल लगाते हैं, उस पोर्ट में ये एड्रेस होता है,
मतलब उसको जब मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनियां तो वहां पे ये एड्रेस को इंस्टॉल करती हैं, बाद में हम इसको चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे आपका मोबाइल नंबर है ना, जो एक आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में एक एमआई नंबर होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो जब मैन्युफैक्चरिंग हो ये कंपनी तभी के लिए, तभी वो मैन्युफैक्चरिंग, तभी उसके अंदर ये एड्रेस इंस्टॉल किया जाता है। अभी आप कोई क्राइम करते हो, भागने लगो, अपना सिम चेंज कर दिया आपने, सिम दूसरा लगा लिया, आप सोच रहे हमारा तो मोबाइल नंबर चेंज हो गया, पुलिस नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि वो नंबर नहीं चेंज कर सकते आप। वो नंबर चेंज कर ले कि आपके मोबाइल का मदरबोर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी वो एड्रेस चेंज होगा, वो तो एड्रेस पुलिस के पास रहेगा, फिर पकड़ लेगी। तो ये चीजें होता है। सेम लाइक हमारा कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर के अंदर दो एड्रेस है, एक जो होता है लॉजिकल एड्रेस जिसको हम लोग असाइन करते हैं, लॉजिकल एड्रेस को हम क्या बोलते हैं दूसरे भाषा में, आईपी एड्रेस, और ये जो होता है मैक एड्रेस, ये फिजिकल एड्रेस होता है, ये जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उसी समय इसको इंस्टॉल किया जाता है, बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। ये 48 बिट का है, हेक्सा डेसिमल में, जैसे ये है, मैं दिखाता हूँ ये कैसे देखते हैं इसको। इसके देखने के लिए हमें क्या करना है, इसको चेक करने के लिए, हाउ टू चेक मैक एड्रेस, आपको सीएमडी में जाना है और वहां टाइप करना है, रन में जाना है, रन में जाके क्या करना है सीएमडी, और सीएमडी में आपको टाइप करना है गेट मैक। गेट मैक करेंगे तो हमें मैक एड्रेस मिल जाएगा। चलिए हम करके दिखाते हैं इसको, यहाँ पे टाइप करेंगे गेट मैक, ये देखिए कई सारे एड्रेस यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, बेसिकली तीन एड्रेस दिख रहे हैं, 1 2 3, ये तीन एड्रेस क्या है, जितने भी नेटवर्क डिवाइस हम लगाएंगे। यहाँ देखिए अब कैसे एड्रेस कैसे है, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूं, देखिए क्या क्या है इसमें एड्रेस में, ये तीन एड्रेस है, 1 74 है, 56 है, 3 C, मैंने बोला ना अल्फाबेटिक क्या क्या आ रहा है, सी सी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एफ आ रहा है, एफ मतलब A to F आएगा, एफ के आगे नहीं, GH नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी देख लीजिए आप, 0 0 50 56 C 0 0 0 0 1, यहाँ पे भी देख लीजिए, मतलब 0 से 9 रहेगा और A to F रहेगा, इसको हेक्साडेसिमल नंबर हम बोलते हैं। तो मैं बताऊं ये तीन एड्रेस क्यों दिया हमारे कंप्यूटर में, तो एक ही NIC पोर्ट है। एक कंप्यूटर में लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, नेटवर्क एक्सेस करने के जितने भी माध्यम रहेंगे उसमें एक मैक एड्रेस रहेगा। अगर हम बात करते हैं एक लैपटॉप की, तो इसमें नेटवर्क एक्सेस करने के कितने माध्यम हमारे पास है, एक तो हमारे पास NIC पोर्ट है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, अभी एक जल्दी किसी को क्लाउड इंजीनियर का इंटरव्यू दे रहा है, मतलब इतना हाई पोस्ट के लिए उसको पूछ लिया ये क्वेश्चन कि एक कंप्यूटर में, एक जो हमारा डिवाइस है उसमें कितने मैक एड्रेस हो सकते हैं, तो आंसर उसने गलत दिया, वो कहा एक NIC पोर्ट है, एक हमारे पास मैक एड्रेस रहेगा, बट ये आंसर सही नहीं है। उसका आंसर क्या होना चाहिए, हमारे कंप्यूटर में लैपटॉप में नेटवर्क एक्सेस करने के जितने माध्यम हो सकते हैं, जितने माध्यम हैं उतने मैक एड्रेस रहेगा। हमारे लैपटॉप में क्या है, एक तो NIC पोर्ट है, तो एक NIC पोर्ट है तो एक एड्रेस यहाँ पे हो गया, एक हम यूज कर रहे हैं वाईफाई वायरलेस यूज कर रहे हैं, ये हमारे मदरबोर्ड पे लगा हुआ क्या वायरलेस, तो एक एड्रेस इसके लिए हो गया, एक तो हो गया क्या NIC पोर्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसको बोलते हैं, पूरा नाम होता है NIC का, और एक होता है वायरलेस, वायरलेस पोर्ट, और तीसरा होता है ब्लूटूथ, तीसरा है ब्लूटूथ। तो तीन हमारे पास रिसोर्स है यहाँ पे, इसीलिए तीन एड्रेस आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे तीन एड्रेस दिख रहा है हमें। हमारे रिसोर्स ये डिपेंड करता है, अगर एक डेस्कटॉप है उसमें केवल एक NIC पोर्ट है, केवल एक केबल लगा हुआ, तो एक ही एड्रेस मिलेगा हमें,
राइट, तो ये डिपेंडेंसी होती है। अच्छा, तो ये मैक एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस जिसे हम बोलते हैं, इसका पूरा नाम मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। 48 बिट का एड्रेस होता है, ये लंबा 48 बिट होता है और हेक्सा डेसिमल में होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें 48 बिट कैसे हो रहा है, यहाँ देखिए एक ऑक्टेट जो होता है ये 8 बिट का एड्रेस होता है, तो 8 8 8 8 मतलब 8 × 6 टाइम करेंगे तो 48 बिट हो जाएगा। मतलब एक एड्रेस जो होता है 48 बिट का होता है, एक ब्लॉक जिसे बोलते हैं, जो एड्रेस जो भी हमारा नेटवर्क का एड्रेस होता है ये 48 बिट का होता है। ऐसे यहाँ पे बता रहा हूँ, जो हमारे ब्लॉक होते हैं, जो नेटवर्किंग में एड्रेस देते हैं ना, उनको ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है। जी हमारे ऑक्टेट है यहाँ पे, जहां से शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 to 7 एक ऑक्टेट। इसको हम कितना, इसका एड्रेस कितना हो गया, 1 2 3 4, इसीलिए एड्रेस ऑक्टेट में होता है। अभी बाद में इसको समझ में आएगा, इसके बारे में अभी कंफ्यूजन होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे एड्रेस की, तो ये नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल समझ में आ गया आपको, तो ये मैक एड्रेस था। और अब हम बात करते हैं ये मैक एड्रेस के बारे में, राइट। अब हम बात करते हैं लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस एक्चुअली आईपी एड्रेस को कहते हैं, ये आईपी एड्रेस होता है, इनको मैं मिटा दे रहा हूं, ये आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है जिसको हमें असाइन करना होता है। अब आईपी एड्रेस के बारे में कुछ हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम ये जाने, यहाँ पे आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं, अब तक आईपी एड्रेस के दो वर्जन आए हैं, ठीक है। IP वर्जन 4, IPv4 बोलते हैं, और एक होता है IPv6, ये वर्जन 6 होता है। ये जो होता है IPv4 32 बिट का एड्रेस होता है, 32 बिट का एड्रेस होता है। ये जो होता है 128 बिट का एड्रेस होता है। IPv4 में क्या होता था, ये 32 बिट मतलब 2^24, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो मिलियंस में आईपी आते हैं, जो कि एनफ नहीं था पूरे वर्ल्ड को मैनेज करना नेटवर्क में। अगर आप कुछ भी यूज कर रहे, अगर कोई ब्राउजर यूज कर रहे, कोई साइट यूज कर रहे हैं, उस साइट के लिए एक आईपी एड्रेस है। कुछ भी हम सर्च कर रहे हैं, कोई क्वेरी कर रहे हैं, उसके लिए एक आईपी की जरूरत होती है। तो सोचिए पूरी दुनिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सब लोग डिवाइसेस यूज करें, मोबाइल यूज करें, मोबाइल में भी आईपी एड्रेस है। आप अपने मोबाइल में जाके लिखिए व्हाट इज माय आईपी, आपको एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। मैं अपने कंप्यूटर में देखिए जाके लिखता हूँ यहाँ पे व्हाट इज माय आईपी, ये कंप्यूटर बताएगा मेरा आईपी क्या है, व्हाट इज माय आईपी, यहाँ पे मेरा आईपी दिख जाएगा। देखिए ये रहा हमारा आईपी। तो मतलब दुनिया के हर डिवाइस में जो भी इंटरनेट से कनेक्ट है उनके पास एक आईपी होगा, तभी काम करेगा। अब क्या हुआ, ये इस केस में आईपी शॉर्टेज होने लगी, फिर इन्होंने क्या किया, IPv6 लॉन्च किया जिसमें 128 बिट है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो बिलियंस बिलियंस कितना आएगा, जो कि एनफ है, बट ये थोड़ा टफ होता है इसको एक्सप्लोर करने में, असाइन करने में। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, IPv4 से इसको कंबाइन कर दिया, इसको मर्ज कर दिया। तो हमें जो असाइन करना रहता है IPv4 असाइन करना रहता है, बट इंटरनेट में आप जाके देखेंगे तो उसमें IPv6 भी रहेगा। मैं दिखाता हूं आपको, मैं इस कंप्यूटर में जाऊंगा, अपने कंप्यूटर में आ गया, और यहाँ पे टाइप करूंगा IP config, इस कमांड से हम चेक कर सकते हैं आईपी एड्रेस को।
यहाँ पे देखिए आईपी वर्जन 4 का भी एड्रेस दिखेगा, आईपी वर्जन 6 का भी एड्रेस हमें दिख रहा है। बट यहाँ पे आप देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, FE80 ये बला बला, ये थोड़ा सा लंबा है, असाइन करने में थोड़ा सा तकलीफ होगी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, आईपी वर्जन 4 को देखिए, यहाँ आईपी वर्जन 4 एड्रेस है, ये आईपी वर्जन 6 एड्रेस है, राइट। तो आईपी वर्जन 4 हम यूज करते हैं, आईपी वर्जन 6 ऑटोमेटिक ये कंप्यूटर हमारा समझ जाता है, इंटरनेट हमारा समझ जाता है। तो आपने इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, इसके बारे में अभी फिलहाल टेंशन नहीं लेना, छोड़ दीजिए। ये नेटवर्किंग जो टीम हाई लेवल पे काम करती है वो लोग मैनेज करते हैं, तो आपको यहाँ से अपने दिमाग को हटा लेना है, आपको बस पढ़ना है आईपी वर्जन 4 के बारे में, और इसके बारे में थोड़ा बढ़िया से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग चलते हैं। तो इस स्क्रीन को अगर आपने लिखा नहीं है तो लिख लीजिए, आप फोटो ले लीजिए इसका, इसको फोटो ले लीजिए। मैं अब चलता हूँ इसके ऊपर, मतलब आईपी वर्जन 4 के ऊपर अच्छे से बात करते हैं। आईपी वर्जन 4 आईपी एड्रेस जो है, हम आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं तो आईपी वर्जन 4 की बात समझिए। इसको 5 क्लासेस में बांटा गया है, 5 क्लासेस। इसका टोटल रेंज जो होता है आईपी एड्रेस का, टोटल रेंज जो होता है, टोटल रेंज होता है 0 से लेकर 255, इसका ये रेंज होता है। एक कैसे रेंज निकला, जो हमारा एड्रेस रहता है 8 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बस ये मैं कैलकुलेट करके दिखाना चाह रहा हूं आपको। ये ऑक्टेट का एड्रेस जो होता है ये डिपेंड करता है, आईपी एड्रेस जो बनाया गया है ये ऑक्टेट के द्वारा बनाया गया। ऑक्टेट क्या है, 8 ब्लॉक रहेगा इसमें, 8 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक के एड्रेस को आप अगर कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं मानता हूं 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 0 to 7 इसको कैलकुलेट करिए, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2। अब मैथ में जा रहे हैं, परेशान मत होइए, ये पढ़ना नहीं है, बस दिखा रहा हूं मैं। 3 to the power 2 to the power हमेशा 2 के ऊपर ये 3, ऐसे सभी को कैलकुलेट करेंगे, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, 2 to the power 7। इसकी वैल्यू मैथमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से 1 होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 4 होती है, इसकी वैल्यू 8 होती है, इसकी वैल्यू 16 होती है। ऐसे डबल करते जाइए ना, यहाँ पे सारा कहानी खत्म हो जाएगा। मतलब ये एक तरीके होते हैं, बस आप ऐसे 1, 2, 4, 8 डबल डबल करते जाइए, 16, 32, 64 एंड 128। ये सभी को अगर ऐड करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो ये कितना आएगा, 255 आएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है, आप इसको जस्ट जोड़ लीजिए, कैलकुलेटर से जोड़ लीजिए, चाहे जैसे भी, आपको 255 मिलेगा। यही मैं बताने की कोशिश किया, ये ऐसे इन्होंने लाया, ऐसे बनाया, ऑक्टेट फॉर्म में होता है, ठीक है। तो 4 ऑक्टेट में होता है जो एड्रेस होता है ना हमारा आईपी का, 4 ऑक्टेट में होता है। ये तो एक ऑक्टेट हो गया, डॉट दूसरा ऑक्टेट, डॉट तीसरा ऑक्टेट, डॉट चौथा ऑक्टेट, तो 8 8 8 कितना हो गया, 32 हो गया। इसीलिए कहते हैं ये आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, 32 बिट का एड्रेस होता है, क्योंकि 8 ऑक्टेट में, और एक ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, 255 हो गई। अगर पूरा ये रहेगा तो 255.255.255 से भी आ जाएगा। तो आईपी एड्रेस को बेसिकली इन्हीं ऑक्टेट के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है।
तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग ऐसे। इसका एड्रेस जो रहेगा अगर हम देखें तो एड्रेस ऐसे रहेगा, मान लीजिए एक ऑक्टेट, एक एड्रेस हमारा क्या रहेगा, अगर मान लीजिए हमारा एक सिंपल एड्रेस दे जाऊं 10.10.0.0.0, ये एड्रेस है। लेकिन रियल में ये कैसे बना, ये तो शॉर्ट में आपको आईपी एड्रेस ऐसे एंटर करना रहेगा, लेकिन रियल में ये बना होगा ऐसे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ .0000000.0000, 8 टाइम है, मैं ज्यादा उधर कर रहा हूँ तो देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऑक्टेट ऑक्टेट यहाँ पे ऐसे। तो ये देखिए, एक ऑक्टेट, दो ऑक्टेट, तीन ऑक्टेट एंड चार ऑक्टेट, तो यहाँ 10 का हमारा एड्रेस है इसको, तो हम क्या हो गया 10 हो गया, इनको सबको हटा दिया मैंने, ये 0 इसकी हो गई, ये 0 हो गई, ये 0, ये होता है। तो असाइन तो हम ऐसे करते हैं, बट रियल में इनका लेंथ इतना बड़ा होता है, ठीक है, इतना बड़ा, लेकिन हम लोग ये इतना पूरा असाइन नहीं करते हैं, असाइन करते हैं केवल इस टाइप से। अभी कौन कौन सा आईपी होता है इसके बारे में, ये बेसिक चीजें, आपका डाउट क्लियर हुआ, अब हम चलते हैं। इसको बेसिकली ऐसे समझिए, इनको बेसिकली 5 क्लासेस में बांटा गया है, डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। अब क्लास ए जिसका रेंज होता है 0 से लेकर 127, क्लास बी 128 से लेकर 191, क्लास सी 192 से लेकर 223, क्लास डी 224 से लेकर 239, ये याद करना पड़ेगा इसे, क्लास ई 240 से लेकर 255, दैट्स ऑल। मैंने क्या बोला, रेंज हमारा टोटल 0 से लेके कितना है 255 है, तो इनको 5 क्लासेस में बांटा गया है। क्लास ए का एड्रेस रेंज मैक्सिमम रेंज है, ये रेंज है सभी, डिवाइडेड इनटू 5 क्लास एंड रेंज, ये सभी क्लास रेंजेस, ये क्लास के रेंज है, क्लास ए बी सी डी ई। अब यहाँ पे बात करें, हम लोग जो यूज करते हैं, पहली बात डी एंड ई ये दोनों यूज नहीं होता है, इनको छोड़ दीजिए आप, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है, R&D। वी डोंट यूज। हम लोग इसे यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लास ए बी सी। अब थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपको, क्योंकि 3 क्लास हमें याद करना रहेगा, कौन कौन, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, बस। पूरी दुनिया में आईपी एड्रेस अगर हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है तो हमें इन्हीं में से कोई एक आईपी असाइन करनी होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लास ए के लिए, क्लास बी के लिए और क्लास सी के लिए। रेंज जो है, ये टोटल रेंज को 2 पार्ट में बांटा गया है। अभी इसी स्क्रीन को फिर से मैं मिटा रहा हूं, यहां पे मैं बना दे रहा हूं, आईपी एड्रेस को टोटल रेंज जो है, ये टोटल रेंज को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है, प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी।
यहां पर मैं लिख रहा हूं पब्लिक आईपी, और यहां पर मैं लिख रहा हूं प्राइवेट आईपी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी? तो प्राइवेट आईपी रजिस्टर्ड नहीं रहता है, इसको यूज हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में करते हैं। पब्लिक आईपी रजिस्टर्ड रहता है, ठीक है, इसका यूज हम इंटरनेट में करते हैं। ये नेटवर्क में यूज होता है, ये इंटरनेट में यूज होता है, ये फ्री होता है। प्राइवेट आईपी क्या है? फ्री है, यूज इन ऑर्गेनाइजेशन, फ्री है। और ये कहाँ यूज होता है? ये फ्री नहीं है, नॉट फ्री। और ये कहाँ यूज होता है? इंटरनेट के लिए। इसके रेंज कौन कौन से हैं? रेंजेस फॉर प्राइवेट आईपी, प्राइवेट आईपी फॉर क्लास ए क्या क्या रहेगा? यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, क्लास ए। क्लास ए के लिए क्या आईपी रिजर्व कर रखा है इन्होंने? 10.0.0.0। ये क्लास बी के लिए आईपी इन्होंने रिजर्व कर रखा है 172.0.0.0। इसको ऐसे लिखते हैं 172.16.0.0। क्लास सी के लिए इन्होंने रखा है 192.68.1.0। ये तीन रेंज बस दुनिया में किसी भी कंपनी में, दुनिया के किसी भी कंपनी में आपको इसी में से, तीनों में से एक आईपी यूज करना है। रेस्ट ऑफ ऑल आईपी बिलोंग्स टू पब्लिक। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्लास ए में तो भाई हमने दिया 0 से लेके 127, तो हमने केवल एक आईपी यहां लिखा। यस, केवल एक ही आईपी फ्री है जो हम कंपनी में यूज कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी में यूज कर सकते हैं, हम अपनी कंपनी में यूज कर सकते हैं, सभी लोग अपनी कंपनी में यूज कर सकते हैं इसका। बट इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 11.0.0.0, पब्लिक आईपी खरीदना पड़ेगा। 12.0.0.0 खरीदना पड़ेगा। 125.0. खरीदना पड़ेगा। वो सभी पब्लिक आईपी हैं, मतलब 0 से लेके 127 तक रेंज जो भी आएगा तो सभी क्या है? पब्लिक आईपी है, जिसे खरीदना पड़ेगा। केवल एक आईपी इसमें से, एक रेंज जो है वो दिया गया है फ्री। इसी प्रकार हम बात करेंगे क्लास बी का, 128 से लेकर 191 तक पब्लिक आईपी है। पूरा रेंज में केवल एक आईपी आपको रिजर्व दिया गया प्राइवेट के लिए, 172। अब 172 इसके बीच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 128 और 191 के बीच में मिलेगा, तो ये रिजर्व है हमारी कंपनी के लिए। बाकी इसमें देखिए क्लास सी के केस में भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे 192 से लेके 223 इसमें से ही एक है, 192 वाला आईपी, राइट। अब इसको हम असाइन करके आपको दिखा रहे हैं एक बार रेंज को, कि क्लास ए क्लास बी कैसे मिलेगा, ऐसे समझना है। यहाँ पे अगर हम क्लास ए की बात करें, क्लास ए में क्या होगा? एक नेटवर्क रहेगा और तीन होस्ट रहेगा। एक नेटवर्क रहेगा, तीन होस्ट रहेगा, मतलब आईपी डालते ही यहां पे क्या रहेगा? टोटल ये 255.0.0.0 जो भी रेंज डालेंगे, ये सबनेट मास्क इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबनेट मास्क। इसका दिमाग मत खर्च करना है, ये इसको छोड़ दीजिए आप, बस देख लीजिए एक बार। इसी प्रकार हम क्लास बी की बात करें, यहाँ पे क्लास बी की बात करते हैं, जिसके अंदर दो नेटवर्क रहेगा
और दो होस्ट रहेगा। इसका अगर हम देखेंगे तो 255.255.0.0 क्लास सी की हम बात कर लेते हैं। यहां पे तीन नेटवर्क एक होस्ट 255.255.255.0 ये रहता है, राइट। अभी आप क्वेश्चन आता है कौन सा बड़ा नेटवर्क में यूज होता है, तो यहां पे आप देखिए होस्ट मतलब होता है कंप्यूटर, होस्ट मतलब होता है कंप्यूटर, मतलब तीन होस्ट वैकेंट है यहाँ पे। अगर इसकी एक एड्रेस की वैल्यू कितनी 255, ये 00 इसलिए लिखा है यहाँ कंप्यूटर जब लगाएंगे तो ये भर जाएगा ऐसे। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक नेटवर्क डिवाइस लिया, यहाँ पे हमने कंप्यूटर कनेक्ट किया 1 2 3। अब यहाँ जैसे कनेक्ट कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे यहाँ पे एड्रेस क्या हो जाएगा, मान लीजिए क्लास ए एड्रेस हम दे रहे हैं क्या हो जाएगा 10.0.0.1, फिर इसका एड्रेस हो जाएगा 10.0.0.2, इसका एड्रेस हो जाएगा 10.0.0.3, इसका एड्रेस हो जाएगा 10.0.0.4, ऐसे एड्रेस होगा ऐसे 5 6 255 तक ये होगा। 255 के बाद क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा ये वाले होस्ट में, फिर यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या हुआ, एक का एड्रेस कितना होगा, कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। हम इसके अंदर बात करें यहाँ पे पहले क्लासी की, तो यहाँ पे हम कितने, ये तीनों नेटवर्क हम केवल एक होस्ट 255 कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। एक की वैल्यू कितना हमने कैलकुलेट करवाया था, एक की वैल्यू 8 ब्लॉक है ना, ये 8 ब्लॉक का वैल्यू तभी तो 228 आया है, 255 आया है, और इसमें 255 कैसे 2 to the power 8 कितना आ जाएगा 256। तो 0 से लेके 256 मतलब 255 कंप्यूटर हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें दो होस्ट की तो कितना हो जाएगा 2 to the power, यहाँ पे एक ही होस्ट था यहाँ पे दो है, तो कितना हो जाएगा 16। तो इसका अगर कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 65,536 कंप्यूटर, 65,536 इतने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कितना 256 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे कितना 2 to the power 24। बहुत बड़े नेटवर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये मिलियंस में आएगा। तो नॉर्मली कंपनी में आप कोई भी एड्रेस असाइन कर सकते हैं इसमें से क्लास ए, बट क्या प्राइवेट आईपी असाइन करनी है, पब्लिक आईपी नहीं। अच्छा मैं रेंज को दिखा दे रहा हूँ एक बार, ये रेंज को दिखा दे रहा हूँ कि क्लास ए का रेंज मैंने 101 से लेके और 127 तक मैंने दिया है, तो कैसे ये होगा। यहाँ पे एक नेटवर्क है दो होस्ट, देखिए मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क डिवाइस ले रहा हूँ, इसका कमांड है ncpa.cpl, मैंने लिखवाया था आपको। यहाँ देखिए यहाँ पे हम जाएंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और आईपी वर्जन 4 में जाएंगे। आईपी वर्जन 6 नहीं हमें साइन करनी है, देखिए दोनों है, हमें आईपी वर्जन 4 में जाना है। यहाँ देखना देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई रेंज लिख रहा हूँ, एक से लिख रहा हूँ, 1.0.0.1 टाइप करूंगा। यहाँ एक नेटवर्क आ रहा है, एक सबनेट दिख रहा है। अगर यही मैं लिखता हूं 100.0.0.0 तब भी वही आएगा। कितना रेंज है, 127 तक है। अब जैसे मैं लिखूंगा 126, यहां देखिए तब भी वही आएगा। 127 को तो पहली बात हम असाइन ही नहीं कर सकते यहाँ पे, ये टेस्टिंग के लिए होता है, इसको छोड़ दीजिए। अब जैसे मैं 128 असाइन करूंगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 128.0.0.0 ये देखिए दो नेटवर्क आ गया यहाँ पे 255.255। तो इसका रेंज ऐसे हम निर्धारित करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें 223,
देखो 224 जैसे हम असाइन करेंगे, असाइन नहीं करने देगा। देखिए तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, बस तीन आईपी हम लोग असाइन करते हैं इसमें। तो एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या हमने क्लास पढ़ा बताइए, कौन कौन से क्लासेस हैं हमारे। सर, आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ा था कि दो कैटेगरी होती हैं, एक प्राइवेट होती है और एक पब्लिक होती है। तो सर, पब्लिक के जो मैं पहले आपको रेंज क्विकली, क्या, आईपी एड्रेस टोटल रेंज क्या होता है, जीरो सर से आई लेके, सर 127 नो, जीरो से लेके 255, वो तो क्लास ये है, क्लास ए का आईपी रेंज जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो से लेकर 127। सेवन सर। और क्लास फिर बी, सर क्लास बी का 128 टू 191 वेरी गुड, 191, एंड और सर क्लास क्लास सी का 192 से 223 192, टू 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 ठीक थ्री है, यस। और क्लास डी, और ये हम लोग यूज नहीं करते तो उसको लिखने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। सर, तो वो तो मैंने याद भी नहीं किया सर, ये तो मैंने याद किए आज जरूरत सारा। नहीं है उसकी, बस इतना याद रखिए। अब इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक पब्लिक के लिए और एक प्राइवेट के लिए, राइट। जी सर, पब्लिक आईपी, प्राइवेट केवल केवल क्या दिया गया है, 10 10 डॉट, पॉइंट हाँ 10 डॉट, हाँ क्लास ए के लिए 10.0.0.0 ये रहेगा। सर क्लास बी का वन सबनेट सेवन मास्क क्या हो जाएगा मैडम इसका, सबनेट मास्क, इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, सर ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने तो कल सर मुझे नहीं बताया था ये सबनेट मास्क के फाइव बारे में। फाइव डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो ये हो जाए, ठीक है। जी जी सर, ये बताया था। एक नेटवर्क तीन होस्ट हो जाएगा, ठीक है, एक नेटवर्क हो जाएगा बाकी तीन। अब हम बात करते हैं क्लास बी, क्लास बी का आईपी हो जाएगा 172.16.0.0, और इसका सबनेट मास्क हो जाएगा, टू फाइव फाइव डॉट 255.0.0 ये हो जाएगा। क्लास सी, 192.168.1.0 ठीक है, और इसका सबनेट मास्क हो जाएगा, सॉरी 255.255.255.0 ये। मतलब ये समझना है कि क्लास ए में केवल एक नेटवर्क होता है, बाकी सभी होस्ट होते हैं। होस्ट मतलब क्या होता है, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। तो क्लास, इसीलिए क्लास ए आईपी बहुत बड़ा नेटवर्क के लिए यूज करते हैं हम लोग। इसमें ये तीनों जो है, ये तीनों क्या रिजर्व है, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए, होस्ट के लिए। इसमें दो रिजर्व है कंप्यूटर के लिए, इसमें क्या है, एक रिजर्व है केवल कंप्यूटर के लिए। जीरो जितना दिख रहा है ना, ये मतलब रिजर्व है कंप्यूटर के लिए, बाकी ये नेटवर्क के लिए है। मतलब दो चीजें होती है, हमारा जो आईपी एड्रेस होता है ना, दो पार्ट में डिवाइडेड, नेटवर्क होस्ट और आईपी एड्रेस, ठीक है। नेटवर्क मतलब जैसे मान लीजिए एक नेटवर्क है, एक स्विच है, इससे जितने नेटवर्क है, फिर दूसरा स्विच है उससे जितने नेटवर्क है, तो मतलब एक नेटवर्क दो नेटवर्क, ठीक है, ऐसे। और कंप्यूटर मतलब क्या है, जितने कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड है। क्लास सी छोटा नेटवर्क के लिए होता है, क्योंकि एक ही जीरो यहाँ पे एक है। इसमें क्या होता है, क्लास सी में क्या होता है, स्मॉल नेट एक एक नेटवर्क, दो नेटवर्क, तीन नेटवर्क और एक होस्ट होता है।
सर होस्ट कौन होता है, उसका क्या काम होता है? ही हमारे कंप्यूटर होते हैं। अब होस्ट का मतलब क्या है यहाँ समझिए, ऐसे यहाँ पे मैंने एक नेटवर्क डिवाइस लगाया और यहाँ से कंप्यूटर मैंने कनेक्ट किया। यहाँ पे देखिए ये जो आईपी दिख रहा है क्या दिख रहा है, हमें रेंज मिल रहा है, नेटवर्क हमारा क्या है, इसमें क्या कर रहा है, 192.168.1.0, ये जीरो नेटवर्क है ना। मतलब क्या है, यही हमारा ये जो है होस्ट है, लास्ट जो जीरो रहता है वही होस्ट रहता है। यहाँ पे देखिए नेटवर्क है तीनों, इसमें कंप्यूटर नहीं कनेक्ट कर सकते केवल इसमें। अब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, पहले कंप्यूटर के लिए क्या हो जाएगा बताइए, 192.168.1.1 हो जाएगा। दूसरे कंप्यूटर के लिए क्या हो जाएगा, 192.168.1.2 हो जाएगा। तीसरे कंप्यूटर के लिए क्या हो जाएगा, 192.168.1.3। चौथे कंप्यूटर के लिए क्या हो जाएगा, 192.168.1.4। पांचवे कंप्यूटर के लिए क्या हो जाएगा, 192.168.1.5। और इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास, हमारे पास कितना कंप्यूटर है, 300 कंप्यूटर है यहाँ पे। तो ये यहाँ ध्यान दीजिएगा मैडम, यहाँ पे मैंने लगाया ये हमारा 300, ये है 254 कंप्यूटर, ये 254 नंबर कंप्यूटर है और यहाँ पे है 300 नंबर कंप्यूटर मान लीजिए इस नेटवर्क में, ठीक है। तो सब अब बताइए यहाँ पे आईपी क्या हो जाएगा इसके लिए, इसके लिए क्या आईपी हो जाएगा, 192.168.1.254। वेरी गुड, 192.1.254, 300 कंप्यूटर नंबर है इसका। बताइए आईपी क्या हो जाएगा, 192.168। इस वाले कंप्यूटर का पूछ रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बताइए। ओके सर, 192.168.1.300। अब 300 आईपी होता है क्या आपके पास? नो सर, होता ही नहीं है, 255। यस 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 राइट जी सर। तो मतलब अगर हमारे नेटवर्क में 254 से ज्यादा कंप्यूटर हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ये नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो पाएगा क्लास सी में, क्योंकि क्लास सी में लास्ट में केवल एक ही बिट होस्ट के लिए रिजर्व है, जिसका टोटल टोटल आईपी कितना रहेगा, 254। समझ में आया मैडम आपको? जी सर, अब आ गया। जी सर, होस्ट का मतलब यही होता है कंप्यूटर, और मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर होंगे वही नंबर होस्ट का आएगा। तो अब बताइए यहाँ पे अगर हमारा 300 कंप्यूटर है तो हमें क्या करना चाहिए उस केस में सर? ये तो फिर आईपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि वो डबल हो जाए, मुझे तो यही लगता है, वरना तो मुझे और नहीं इसके बारे में। कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, क्लास सी में तो केवल कितना आईपी है, केवल एक ही होस्ट रिजर्व है इसमें। जी जी सर, जो हम फिर क्लास ए अगर सबसे ज्यादा चाहिए तो हम क्लास ए पे जाएंगे। वेरी गुड, तो हम क्लास ए क्यों क्यों जाए, हमें तो 300 केवल चाहिए ना, तो हम किसको यूज कर लेंगे फिर? क्लास बी को हम यूज करेंगे, क्लास बी को यूज कर लेंगे। चलिए, क्योंकि उसमें डबल होस्ट आ रहे हैं जो एनपीसी। अब चलिए क्लास बी को यूज करवाइए आप हमें, बताइए यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा। रियल में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखना रहेगा, मालूम कैसे, ऐसे इसको लिखना रहेगा हमें, इसे देश को पूरा, तो ऐसे आप लिखेंगे। जीरो 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 कितना हो गया, ऐसे इसको हम लिखते हैं यहाँ से, 1111 कितने, ये देखिए 1 ऐसे लिख दीजिए यहाँ से, 172 है ना, तो 0 0 2 3 4 5 172 डॉट कितना हो गया, या ऐसे लिख दीजिए स्टार्टिंग से लिख दीजिए क्या करना है, 172 0 0 0 0
कितना हो गया, 8 हो गया, 10 डॉट 16 16 0 0 0 0 0, 8 होना चाहिए, 8 बिट का एड्रेस होता है। 1 2 3 सर ये तो चार पांच पाँच छ होता सात आठ, 1 2 3 4 5 6 7, एक और 8 है। एक डॉट 0 0 0 0 0 0 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे रहता है मैडम। ठीक है, अब सोच लीजिए, अब यहाँ पे सोचिए, ये क्लास बी है। क्लास बी का मतलब हम क्या करेंगे, यहां से लेके एक नेटवर्क हो गया और ये दूसरा नेटवर्क हो गया, दो नेटवर्क होता है कि नहीं होता है? दो नेटवर्क ठीक हो गए सर। है, तो ये दोनों नेटवर्क को हम अलग कर लेंगे। हमारा होस्ट कितना बचा, एक सर होस्ट ए दो बचा, होस्ट। एक होस्ट ए बचा, राइट, एक होस्ट ए बचा और एक होस्ट ई बचा। समझ आया मैडम? तो अब जी ये सर। बताइए कितना इसका हो गया, 8 बिट ये 8 बिट ये। इसी प्रकार पहले क्लास सी का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, अभी समझ में आ जाएगा सारा, टेंशन मत लीजिए। क्लास सी के केस में क्या है बताइए, 192.168.1.0 है ना, इस बाइनरी में जी लिखते कैसे हो जाएगा, 192 एक दो जीरो तीन चार पांच डॉट 168 तीन चार पांच छ सात आठ, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा, एक नेटवर्क, दो नेटवर्क, तीन नेटवर्क, राइट, यही होता ना क्लास सी में? और वन होस्ट। हाँ, तीन नेटवर्क हो गया और ये क्या हो गया, वन होस्ट हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब जी इससे सर। कभी हम कंप्यूटर नहीं कनेक्ट कर सकते, ये ध्यान रहे। क्लास सी में ये तीन नेटवर्क होता है जिसमें हम कंप्यूटर नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, केवल हम इस वाले एरिया में कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। समझ आया मैडम आपको? तो जी ये सर। बताइए कितना एड्रेस हो गया, 8 बिट का एड्रेस हो गया। अब इसको कैलकुलेट करिए, 2 द रेस्ट पावर कितना हो जाएगा, 8। कैलकुलेट करिए, मैथ आती है ना आपको तेज? सर कैसे कैलकुलेट करूं, मतलब 2 को 2 8 टाइम है, कितना हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, नहीं ऐसे नहीं होता तो है कैसे सर? मुझे तो मैथ बिल्कुल, सर मुझे ये टेबल आती है पर मुझे ऐसे कुछ समझ नहीं आती। कितनी बार, 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो गया ना? ऐसे करते हैं, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना 16 64 दुना 128 दुना 128 के मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 256, कितना हो गया, 256। समझ में आया मैडम, 256 हो गया। तो 2 द रेस पावर 8, ठीक है, 2 द रेस पावर 8 इसको कैलकुलेट करने पे हमें 256 आईपी आती है। अब ये शुरू होता है 0 से लेकर और 254 तक होता है, 255 तक होता है। अब 0 तो आईपी असाइन कर नहीं सकते हम, राइट, 0 को हम कर नहीं सकते, और लास्ट आईपी हम नहीं करते हैं, इसलिए वैलिड आईपी जो हम कंप्यूटर में असाइन करते हैं कितना होता है, 254 तक होता है, ये ध्यान जी रखिए। बस 255 हम आईपी असाइन नहीं कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, वो ब्रॉडकास्ट के लिए होगा, 254 तक हम आईपी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सर। इसीलिए क्लास सी के केस में, क्लास सी में कितनी आईपी हम कनेक्ट कर सकते हैं, 254 आईपी, अभी आपने कैलकुलेट किया था, राइट। तो जी सर। यहां देखिए, अब ये आ गए, तो यहां पे देखिए, अब इसको असाइन करके हम लोगों ने देख लिया था, यहाँ पे देख लिया था ना, 192.68.254, फिर वहीं पे रुक जाती गाड़ी हमारी। मतलब अगर क्लास सी यूज करेंगे केवल उस नेटवर्क में 254 कंप्यूटर हम कनेक्ट कर पाएंगे। डाउट क्लियर हो गया आपका? जी सर। 254 से अगर ज्यादा आईपी वाला नेटवर्क हमारा रहेगा, 254 से ज्यादा कंप्यूटर अगर रहेगा हमारे नेटवर्क में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लास बी यूज करना पड़ेगा।
अब हम कैलकुलेट करेंगे क्लास बी में कितने हम नेटवर्क कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दो नेटवर्क है, इसमें दो होस्ट है, राइट, कितने होस्ट है, दो होस्ट है, तो आठ बिट इसका एड्रेस, आठ बिट इसका एड्रेस, दो पे कितना घात हो जाएगा, 16, आठ आठ कितना हो गया, 16 हो गया। टू टेंस पावर 16 को अगर कैलकुलेट आप करेंगे तो आएगा मालूम कितना है, 65,536 इतना आएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। तो सर मतलब हम क्लास बी में 65,536 कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। यस यस यस। तो सर ये तो डबल की क्वांटिटी से भी ज्यादा ही हो गया। डबल नहीं, बहुत गुना हो जाएगा जान, ठीक है सर। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे यूज होता है। तो ये अब इसमें वैलिड आईपी कितना हो जाएगा, एक पहला और लास्ट का एक छोड़ दीजिए, तो कितना क्लास बी में आपका आंसर क्या रहेगा, मैक्सिमम कितने आईपी, तो 65,534 आईपी कैन कनेक्ट इन क्लास बी नेटवर्क, याद रहेगा। एंड हाउ मेनी कंप्यूटर वी कैन कनेक्ट इन क्लास सी आईपी, बताइए आंसर दीजिए। सर मैं बताती हूँ सर, क्लास सी में तो हम लोग 554 यूज कर सकते हैं। 254 जी, 554 दीजिए आपको, सॉरी सर गलती से बोल दिया, 254। क्लास बी में कितना सर, क्लास बी 55,534। क्लास ए की अब बात कर लें, अब चलिए पहले इसको असाइन करके देखते हैं हम लोग कैसे असाइन करेंगे इसको, राइट जी सर, तब आपका और डाउट थोड़ा सा क्लियर होगा। इनको मिटा दे रहा हूँ मैं जी सर। ये क्लास बी का एड्रेस हमारा है, यहाँ देखिए शुरू हम करेंगे यहाँ से 172.16.0. क्या हो जाएगा, वन इसका आईपी क्या हो जाएगा मैडम, 172.16.0.2 इसका आईपी क्या हो जाएगा, 172.16.0.3 इसका आईपी क्या हो जाएगा, 4 172.16.03.0.4 ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करिए, अब ये सपोज करिए आप यहाँ पे एक कंप्यूटर है सर, ये पूरे वर्ल्ड में आईपी एक ही तरह के रहती हैं। हाँ सर मतलब हर कहीं पे आईपी एड्रेस यही होती हैं। हाँ 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 हाँ। अब बताइए ये जो हमारा कंप्यूटर है 300 नंबर पे कंप्यूटर है मैडम, इसका इसका जो है ना, नहीं 254 है, 255 है, 254 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने दे दिया इस कंप्यूटर का आईपी लास्ट में दे दिया, 254 नंबर पे इसको दे दिया, ठीक है, 172.16.0.254 ये आईपी दे दी, राइट जी सर। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, क्योंकि 154 तक ही तो लास्ट लिमिट है, इससे ज्यादा क्लास सी की लिमिट नहीं है, तो सर फिर क्लास हम क्लास सी यूज कर रहे हैं ये सर, ये आप क्लास सी कर रहे हैं कि बी कर रहे हैं, आप देखिए कौन सा है सर, क्लास बी है 172, तो इसमें तो 65,000 कनेक्ट कर सकते हैं, बताइए जी सर, 65,000, तो ये 255 नंबर कंप्यूटर है, यहाँ पे क्या आईपी रहेगा, ऐसे रहेगा 172.16.1 हो जाएगा यहाँ पे, देखिए समझ आए मैडम जी, 1 2 1, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा 1 से, ओके सर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 172.16.1.2, फिर आ जाएगा 172.16.1.3, समझ में आया आपको जी सर। ये कब तक जाएगा, ये सिलसिला कब तक रहेगा, ये हमारा फिर से एक तो 254 यहाँ पे हो गया था हमारा, राइट, यहाँ पे एक 254 खत्म हो गया था ना, 254 जी, फिर हमने
दूसरे सबनेट में तैयार किया, रुक जाइए इसको मैं बड़े में ले रहा हूं, बिल्कुल आपने जी सर, इसको लिखा कि नहीं आपने? जी सर ये लिखा हुआ है मैंने। अच्छा ऐसे हम कर रहे हैं, देखिए बड़ा सा नेटवर्क है हमारा, चलिए यहां पे मैं क्या करता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ। ये जो है कंप्यूटर नंबर 1 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये हमारा 100 नंबर का कंप्यूटर है, ये हमारा 200 नंबर का कंप्यूटर है, ये हमारा 254 नंबर का कंप्यूटर है, 200 250 नंबर का कंप्यूटर है, ये है 251, यहाँ पे मान लीजिए 254 है, ठीक है। फिर ये हमारा दूसरे रो में है, यहाँ पे हमारा 1 नंबर कंप्यूटर है, ये 2 नंबर कंप्यूटर है, ये दूसरा नेटवर्क हो गया, ठीक है, ये 3 नंबर का हो गया, ये 4 नंबर का कंप्यूटर हो गया, ये 100 नंबर का कंप्यूटर हो गया, ये 200 नंबर का कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे 254 हो गया, यहाँ पे हमारा 1 नंबर हो गया, यहाँ पे हमारा 2 नंबर हो गया, यहाँ पे हमारा 3 नंबर हो गया, यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, ये 254। अब बताइए यहाँ पे मैडम, यहाँ पे शुरू हो जाइए, हम क्लास बी का आईपी दे रहे हैं, इसके लिए आईपी हमारा नेटवर्क क्या है, 172.16.0.0, यही है ना, जी सर, शुरू हो जाइए यहाँ से, क्या हो जाएगा आईपी इसका, 172.16.0.1, 172 इसके लिए क्या हो जाएगा, 172.16.0.3, इसके लिए क्या हो जाएगा बताइए, वन 172 सेवेंटी टू डॉट डॉट सिक्सटीन 16 डॉट जीरो डॉट डॉट जीरो डॉट वन हंड्रेड हंड्रेड, इसका बताइए क्या हो जाएगा, वन सेवेंटी वन टू पॉइंट सिक्सटीन पॉइंट जीरो पॉइंट टू फिफ्टी वेरी गुड, और इसका बता वन दीजिए, सेवेंटी टू पॉइंट सिक्सटीन पॉइंट जीरो पॉइंट टू फिफ्टी फोर यस। अब यहाँ पे आ जाइए, 254 तक तो हमारा खत्म हो गया, एक होस्ट है ना, जी अब सर, हम ये क्या तो करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे एक से यहाँ, तो इसका आईपी क्या हो जाएगा, 172.16.1 हो जाएगा, यहाँ पे जी सर, 0.1.1, फिर यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, 172.16.0.3, थ्री सॉरी नॉट जीरो, नॉट जीरो नॉट जीरो, क्या हो जाएगा, 1.3, फिर इसका बता दीजिए, वन वन सेवेंटी सेवेंटी टू टू डॉट पॉइंट वन सिक्स पॉइंट वन पॉइंट वन हंड्रेड राइट, और इसका बता दीजिए, वन सेवन टू पॉइंट वन सिक्स पॉइंट वन पॉइंट टू फिफ्टी फोर वेरी गुड, खत्म हो गया है। फिर अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे फिर से दूसरा तीसरा नेटवर्क है, फिर कितना हो वन जाएगा, सेवेंटी टू पॉइंट सिक्सटीन पॉइंट वन पॉइंट नो, वन का हमारा नेटवर्क पूरा हो चुका है मैडम, अब यहाँ आ जाएगा वन टू सेवेंटी पॉइंट टू वन सर टू कैसे आया? यही तो बता रहे हैं सबने, जैसे यहाँ पे वह 0 वाला पूरा हो गया है ना, फिर 1 वाला हो जाएगा, फिर टू, ओके सर, अब मुझे समझ आई। फिर तो सर, अगर फिर तो इसके बाद ये सर क्लास बी में आप बता रही हैं, और हाँ अब ऐसे सोच सर लीजिए क्योंकि कितना क्लास वन में पैसा बहुत क्लियर कैसे आता मैडम, अगर दो ही बार हम पढ़ते, दो हो तब तो आप जो बोल रहे थे कि
तब तो क्लास बी में 254 प्लस 254 मतलब 536 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही ना। बट हमें कितना कनेक्ट कर सकते हैं, 65,536 कैसे आएगा? सर, क्योंकि हमें जो है तो एक ऐसे ऐसे ये सिलसिला जाता रहेगा, कब तक जाता रहेगा मैडम? फिर यहाँ पे कोई नेटवर्क रहेगा क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे सर, कोई नेटवर्क रहेगा? जब तक 65,000 की लिमिट पूरी नहीं हो जाती, हम ऐसे ही 172.62 यस, अब यहाँ पे क्या, पॉइंट अब यहाँ पे टू बता दीजिए, यहाँ पे बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा, 172.16 क्या हो जाएगी? सर, थ्री सिक्स डॉट पॉइंट वन हो जाएगा। थ्री डॉट जी सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 172.16.4 फोर डॉट वन। समझ में आया कि नहीं आया? सर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जैसे 254 की एक लिमिट होती है, तो जब तक एक 254 की लिमिट क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद से सर जो जो नंबर है जो 0 से 1 हो गया, 1 से फिर 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, और फिर इसी तरह चलता जाएगा, 4 से 5, कब मतलब तक कि गया था, कब तक चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा, इसका भी कोई लिमिट होगा? जी सर 65,000 तक की 65,000 लिमिट। मतलब सबनेट का ऐसे हो जाएगा 172.16.254 यहाँ तक आएगा, जी सर, यहाँ पर खत्म हो जाएगा हमारा नेटवर्क ये। पोर्ट पे खत्म हो जाएगा। ओके सर, अब मुझे कुछ कुछ मतलब अब मुझे थोड़ा आइडिया क्लियर हुआ। ठीक है, जी तो जो बड़े नेटवर्क होते हैं इस तरह से होते, ठीक जी सर, ठीक है। है, इसको हम सबनेट बोलते हैं। देखिए अब ये जो होता है ना, ये सबनेट होता है, एक सबनेट में हो गया, ये एक नेटवर्क में, मतलब नेटवर्क को हम अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं, उसको सबनेट बोलते हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, राइट? ऐसे ऐसे ये अलग अलग नेटवर्क आपस में ये कम्युनिकेशन कर पाएंगे, लेकिन यहां से यहां कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो दोनों अलग नेटवर्क है ना। जी सर, सबनेट मतलब कि वन मतलब कि जब एक नेटवर्क शुरू होता है और मतलब 254 पे खत्म होता है, तो वो एक सबनेट हो जाता है। फिर सर एक फिर फॉर एग्जांपल नंबर चेंज हो जाता है, 172 पॉइंट जो है तो 1.6.1.1 से जो दूसरा सबनेट शुरू हो जाता है, वो भी जाके 254 पे खत्म होता है। फिर 16 के बाद थर्ड सबनेट शुरू हो जाता है, फिर इसी तरह फोर्थ सबनेट शुरू हो जाता है, और सर फिर इस तरह चलता जाता है। लेकिन सर सी कैटेगरी में सिर्फ एक ही सबनेट सबनेट यस होता यस है। यस, जी सर, और क्योंकि ऐसी है ना, जी सर, ये समझना प्राइवेट है पब्लिक है कौन सा, ये समझना, बस इतना ही करना है।